इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फाइंड माय डिवाइस से हम किसी भी फ़ोन को रीसेट कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, फाइंड माय डिवाइस से रीसेट करने के लिए दो तीन चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप किसी और फ़ोन को रीसेट मार रहे हैं और अगर आप रीसेट मार देते हैं तो उसके बाद आप उसको लोकेट नहीं कर पाएंगे फाइंड माय डिवाइस से। और दूसरी चीज़, यहाँ पर आप जो है अगर ऑफलाइन है तो ऑनलाइन आना पड़ेगा उसके लिए, उसे वंस जब ही यहाँ पर हो पाएगा ये, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ों का ध्यान रखें और मैं आपको बता दूँ कि क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम रीसेट करने का प्रोसेस देख लेते हैं। सेटिंग्स में हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा, ठीक है। और सेटिंग्स में आप सर्च कर लीजिएगा यहाँ पर इस तरीके से, फाइंड माई डिवाइस, ठीक है। चाहे आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं लेकिन इजी प्रोसेस यही है कि आप फाइंड माई डिवाइस को सर्च कर लीजिए। तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ से सर्च कर देते हैं, क्लिक करके फाइंड माई डिवाइस। यहाँ पर देखिए नीचे आ गया, इस पर हम टिक करके इसे खोल लेते हैं और इसे यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर एप्लीकेशन तो यहाँ पर अच्छी खासी वर्क नहीं करती है, हम वेब पे से इसे खोल लेते हैं। वेब पे से आईडी वगैरह डालनी पड़ेगी और उसके बाद ये कनेक्टेड हो जाएगा इस तरीके से। और उसके बाद आप फिर जो है क्या करिए कि आपको यहाँ पर फैक्ट्री रीसेट डिवाइस का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर टिक करना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि आप जो है यहाँ पर सबसे पहले तो आप रीसेट करेंगे तो वो तो परमानेंटली डिलीट भी हो जाएगा, एंड यहाँ पर आफ्टर द रीसेट मोबाइल लोकेशन बंद हो जाएगी और आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उसके बाद इसे नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद ये पासवर्ड वगैरह मांगेगा तो पासवर्ड डालिए, फिर इसे नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा रीसेट, ठीक है, इस तरीके से। अब इम्पोर्टेंट ये है कि आप कौन से डिवाइस को रीसेट कर रहे हैं, वहाँ पर भी आता है। हमारे फ़िलहाल एक ही है तो इसलिए एक ही दिखा दिया इसने, तो यहाँ पर टिक करते ही ये रीसेट लग जाएगा। तो ये प्रोसेस रहता है इसका इजी सा, बहुत इजी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।